नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खास खबरों की ओर। सराफा चौपाटी को अवार्ड मिलने पर पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ सराफा बाजार पहुंची और खुद जलेबी बनाई। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर होने के साथ ही इंदौर का स्ट्रीट फूड भी सबसे अच्छा माना जाता है। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने भी यह मान लिया है कि इंदौर के सराफा बाजार और 56 दुकान का फूड तय मानकों पर खरा। 56 दुकानों अपने स्तरीय खानपान के लिए प्रसिद्ध है, वहीं सराफा बाजार की चाट चौपाटी भी प्रसिद्ध है। FSSAI की टीमों ने दोनों चाट चौपाटियों का सर्वे किया। 5 अगस्त को किए गए सर्वे में इन बाजारों में साफ सफाई, खाने पीने की चीजों की शुद्धता, हाइजीन, साथ हो कचरे का सही निपटान और बेहतर व्यवस्था के लिए अलग अलग पैमानों पर अलग अलग अंक दिए गए। कैसे देखते हैं एक बार और इंदौर को अब क्लीन फूड जोन का अवार्ड मिला? बिल्कुल, लगातार अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं इंदौर शहर को। 4 बार पूरे देश में नंबर 1 आना एक बड़ी उपलब्धि है, और उसके बाद वाटर प्लस में पूरे देश में नंबर 1 आना ये भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तीसरा, 56 दुकान दूसरी बार फूड स्ट्रीट क्लीनर्स फूड में फर्स्ट आया है, और अभी हमारा सराफा बाज़ार जो पूरे देश में जाना जाता है फूड के लिए, खाने पीने के अनेक वैरायटी यहाँ पर मिलती है, और बहुत शुद्ध तरीके से जिस प्रकार से यहाँ खाने पीने की सामग्री मिलती है पूरे देश में ये बहुत प्रसिद्ध है। इसको भी पहली बार नंबर 1 का पुरस्कार मिला है क्लीनर्स फूड स्ट्रीट के लिए। तो मैं सभी व्यापारियों को, सभी जो व्यंजनधारी है, अनेक व्यंजन जो बनाते हैं, उन सभी को, सभी फूड के जो अधिकारी हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह ये इसका नाम हमारे इस सराफा बाज़ार का नाम पूरे देश में चलता रहे। मेरे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 का ये क्षेत्र है सराफा बाज़ार, इसलिए और ज़्यादा गर्व है कि हमारे इस सराफा बाज़ार को क्लीनेस फूड स्ट्रीट का अवार्ड मिला है। पहले भी ऑडिट हुआ था लेकिन कोरोना के कारण वो जो है वो बिल्कुल कोरोना के कारण ये रुका हुआ था। दूसरे ऑडिट में पहले नंबर पे, पहले पायदान पे आया है। मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ।